दुबे साहब, वनवासी कल्याण आश्रम के तौर पर आरएसएस ने सबसे ज्यादा काम किया आदिवासियों के बीच में। अब जो हुआ प्रवेश शुक्ला ने जो किया, अब कितना बीजेपी का है कितना नहीं, उस पर जो दावे हैं और प्रति दावे हैं, आप दोनों देख लिए, लेकिन क्या ये हो जाने के बाद बुला लेना, डैमेज कंट्रोल कर लेना, घर में पांव धो लेना, इससे क्या माहौल बन जाएगा? आप बताइए डीके दुबे, जब राज्य चुनाव में जाने वाला है। देखिए, माहौल की तो राजनीतिक लोग ज्यादा अच्छी बात करेंगे, वो अपने अपने पक्ष की बात करेंगे। एक चीज समझ लीजिए कि समाज में अगर कोई दुष्कृति है तो उसकी रेमेडी क्या है। उसकी रेमेडी एक तो कानूनी है कि न्यायालय में जाकर और पुलिस उस पर मुकदमा लगाएगी, न्यायालय में जाकर उसको जो भी उसका हश्र होना है वो होना है। दूसरी बात ये आती है कि उस व्यक्ति का क्या, जिस व्यक्ति का अपमान हुआ है, तो उस व्यक्ति के अपमान को पुनर्जीवित करने के लिए कानून में एक टर्म इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं अपकृत्य, यानी कि टॉट, जो उसके साथ गलत हो गया है उसको कैसे मैक्सिमम डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने तो कुछ किया नहीं, सरकार ने भी कुछ नहीं किया, ये तो समाज का कर्तव्य है। लेकिन मुख्यमंत्री मुखिया होने के नाते उसको अगर वेदना होती है और वेदना के नाते वो उनको बुलाकर सम्मानित करता है, माफी मांगता है, पैर धोकर माफी मांगता है, उसके अलावा परिवार के हालचाल पूछता है, उनकी खैर ख्वाह करता है, तो ये मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल का मैक्सिमम जो तरीका हो सकता है किसी के साथ अपकृत्य हुआ वो सरकार ने किया। अगर कोई ये कहता है इसके साथ कि साहब सरकार ने क्या किया, तो उनको भी सजेस्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार के नाते क्या करे, ऐसा क्या वो किया जाए कि वो डैमेज कंट्रोल हो जाए या फिर अपकृत्य को पूर्ण हो जाए। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आती है, तो देखिए हम अपनी शाखाओं में सरनेम तो इस्तेमाल करते नहीं, जाति पात का हम तो पूछते ही नहीं है साहब कि जाति किसकी क्या है। अगर आपका नाम दीपक चौरसिया है तो हम दीपक जी कह के काम चलाते हैं, चौरसिया पूछते भी नहीं है सर, और जानने की कोशिश भी नहीं करते किसी का सरनेम क्या है। हम जाति को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात आती है कि जो वनवासी क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्रों में अगर सरकार अपने स्तर पर काम नहीं कर पा रही, उसके अपने कारण हो सकते हैं, संसाधनों की कमी हो सकती, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे वनवासी क्षेत्रों से उन युवाओं को बुलाकर जो कि कुछ करना चाहते हैं, वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है पूरे देश में, और वनवासी कल्याण आश्रम में उन बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वनवासी कल्याण आश्रम उठाता है, और वो देश में जो गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होता है, संघ को जो गुरुदक्षिणा आती है उनसे पूरा खर्चा उठाया जाता है, प्रचारकों के अलावा या संघ के अलावा इन वनवासी बच्चों का खर्चा हम उठाने का पूरा काम करते हैं, और उनको ससम्मान जहां तक मदद हो सकती है वहां तक मदद करने के पश्चात उनको उनके घर पर छोड़ देते हैं, पहुंचा देते हैं। उसमें ये भी संघ कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप हमारे लिए कुछ करिए, हम तो समाज का प्रत्येक वर्ग जो पीछे है वो समानता पर आ जाए, इसके लिए हर क्षण हर स्तर पर हर स्थान पर काम करते हैं। आप सोचिए कि घुमंतू जाति है, घुमंतू जाति आप समझते होंगे जो लगातार महीने भर कहीं रुके और फिर सड़क के किनारे कहीं रुके, लोहा पीट जिनको लोग कहते हैं, घुमंतू जातियों के लिए भी संघ ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी, इनको भी कैसे सम्मान दिया जाए। ठीक है, आशीष जी मेरे साथ जुड़े हैं, क्या अनुमा आचार्य जी फिर से मेरे साथ जुड़ गई हैं? मैं पैनल से एक बार जानना चाहता हूं, क्या अनुमा जी जुड़ गई है मेरे साथ या मैं आशीष जी के साथ? ठीक है आशीष जी, आप धर्मवीर जी आपसे बात हो गई, डीके जी आपसे बात हो गई, अब आशीष अग्रवाल और अनुमा जी मेरे साथ हैं, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, जरूरत पड़ी तो मैं आपसे भी सवाल लूंगा, लेकिन आशीष जी आप भी कृपया सम्मान बनाए रखें, नेशनल स्पोक्स पर्सन है आशीष जी, इस बात को ध्यान रखिए, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आप बहुत सीनियर हैं, आप विंग कमांडर रही हैं, बहुत सम्मान है आपका। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं एक एंकर के तौर पर कि दोनों अपनी अपनी बातें रखें, अपनी अपनी बातों को अपने अपने ढंग से रखें। अनुमा का फोन डिस्कनेक्टेड है, आशीष जी आप अपनी बात कहिए, धर्मवीर चौधरी ने कई आरोप लगाए, उनका कहना है कि आदमी पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है, नोन फैक्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी का वहां लोकल कार्यकर्ता है, विधायक ने खुद ने माना है कि हाँ मैं शुक्ला नाम की जानता हूं, खुद वो भी शुक्ला जी हैं, और आपको पता है सीधी रीवा सतना ये जिले हैं, वहां पर ब्राह्मणों का कितना प्रभाव है, वही जीतते हैं या बीएसपी जीतती है, ये भी आपको पता है, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे आरोपों को, क्योंकि अब तो कांग्रेस इसको छोड़ेगी नहीं, बड़ा मुद्दा बनाएगी। आशीष जी आप भी इस बात को जानते हैं?
दीपक जी देखिए कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है विषय ये नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी की नीत सरकार ने इस तरह के कुकृत्य पर, अमानवीय घटना पर क्या कार्रवाई की है ये सबके समक्ष है। एक सुर में हमारे हर नेता और कार्यकर्ता ने इसकी भर्त्सना की, उसको घंटों के अंदर पुलिस के सलाखों के भीतर पहुंचा दिया गया, उसके घर को तोड़ दिया गया ताकि सिर्फ उसको सलाखों के अंदर नहीं इस तरह के अपराधों के हौसले भी तोड़े जाएं, और फिर डैमेज कंट्रोल जो शब्द आपने इस्तेमाल किया उसके तहत उस व्यक्ति को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, उसके पैर पखारे। तो मुझे लगता है कि हम क्या सोचते हैं ये हमारे कार्य व्यवहार से समझ में आता है, पर कार्य व्यवहार तो उनका भी समझना चाहिए दीपक जी जिन्होंने इस विषय पे ट्वीट किया और आज जो अपनी पीठ ठोक रहे हैं। तो एक विषय और मैं इनके सामने लाता हूं जो कल हमने उठाया भी था, शिवपुरी में भी कुछ इस तरह की घटना हुई, कुछ दलित समाज के युवकों को मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के युवकों ने मारा पीटा, बल्कि उनके मुंह में मल तक ठूंसने की एक गंदी हरकत की, पर क्या मायावती जी ने उसका संज्ञान लिया, क्या कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, कमलनाथ ने उसका संज्ञान लिया, क्या ये जानबूझकर इस तरह की घटनाओं पर आंखें बंद करते हैं क्योंकि इस तरह के अपराधियों का रंग कुछ और होता है। तो ये भी इस देश की जनता ने देखा है। ये जो बसपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे लगता है कि बहन मायावती जी को इनको जरूर जानकारी में डालना चाहिए कि इस पे इनका क्या रुख है। बाकी बसपा क्या है वो तो मध्य प्रदेश और इस देश की जनता के सामने उजागर हो ही गया है, पर्दाफाश हो ही गया है। जिनने बाबा साहब को हराया, जिन्होंने बाबा साहब के अत्याचार किया, इन्होंने तो उनके साथ भी गठबंधन कर लिया था। तो बसपा ने दलित समाज के साथ अत्याचार किया है, उनका शोषण किया है, और आज इसके चलते समाज ने ही इनको त्याग दिया है। ये जो दोहरा रवैया है वो कांग्रेस हो या बसपा, इन दोनों का इस देश और मध्य प्रदेश की जनता के सामने उजागर है। ठीक है। Z News.